उसका शहर का नाम है रुड़की, ये उत्तराखंड में हरिद्वार के पास में पड़ता है। और इस हमारी हिंदुत्व फिल्म के अंदर भी एक गाना वही फिल्माया गया है कबीर शरीफ में, वो गाना आप जल्दी देखेंगे। और शेर सिंह और राणा और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में साथ पढ़े, तो अच्छा दोस्ताना रहा है। और अभी जब मूवी रिलीज होने की बात चल रही, तो शेर सिंह का एक दिन फोन आया कि हिंदुत्व किसने बनाई है, तो मैंने कहा मैं तो बताना भूल गया, करण लालदान जी ने डायरेक्ट किया फिल्म और साथ में मैं भी इसका प्रोड्यूसर हूँ और इसको 7th को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो फिर बात हुई, फिर आज बाई चांस ये दिल्ली में थे और इनकी अभी ट्रेन है, ये MP में कोई रैली करने जा रहे हैं, तो फिर मैंने इनको यहाँ इन्वाइट किया सर। तो ये आपके बीच में है, बाकी आपको आप अपने बारे में बताएंगे और फिल्म के बारे में बताएंगे कैसी लगी। सबसे पहले जो हमारे पत्रकार मित्र साथी हैं उनको मैं बहुत स्वागत करूंगा। और जैसे हम सभी ने अभी एक ये ट्रेलर देखा, तो आज देश के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि जो जो जिसको हम बोलते हैं ना पश्चिमी सभ्यता, तो अभी क्या रिवर्स मोड में है पूरा सिस्टम, कि जो जिन जो भारतीय व्यक्ति है जिनको अपने जो हमारा हिंदुत्व जो रिलीजन है जिस पर गर्व करना चाहिए, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। और जो वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो US हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनके मन में हमारे जो हिंदुत्व है उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना बनती जा रही है और वो लोग यहाँ इंडिया में आते हैं और उसको अच्छा महसूस करते हैं। उस फीलिंग उनको ऐसी आती है कि भाई हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं या ऐसी एक धर्म की तरफ जा रहे हैं जिससे कि एक मन में शांति का आभास होता है। तो अपने उन लोगों को जो कि अपने सनातन धर्म को भूल चुके हैं या फिर मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, जो है मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हमारा जो एक जो मूल है इस देश का, अगर हम उससे दूरी बनाएंगे तो वो गलत है। रहना एक अलग होता है और सभ्यता एक अलग होता है। तो जो हमारे पूर्वजों ने हजारों या लाखों वर्षों तक हमें एक सबसे उत्तीर्ण सभ्यता दी, तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व जो है उसको आपको प्रकाश डालेंगे। और मैं करण सर को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाई जिस पर मुझे लगता है कि आज उसको छूते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सूरज के ऊपर हाथ लगा दिया हो। तो इन्होंने वो हिम्मत कही, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जैसे सचिन ने बताया कि सचिन और हम एक साथ बचपन में पढ़े हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सचिन और हमारी बात हुई और वो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं सचिन, तो ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जो इसकी स्टार कास्ट है वो आपके पास बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अभी अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी करीब 3-4 साल से, तो स्पेशली कुछ लोगों का बड़ा प्रभुत्व वहाँ पर है, और जिसके कारण जो नए लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको शायद उतना ज़्यादा चांस नहीं मिला। और करण सर इस चीज़ के लिए भी बहुत मतलब उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहिए कि उन्होंने अच्छे लोगों को जो कि मतलब डिजर्व करते हैं, उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे हिंदुत्व के माध्यम से जो है एक मौका दिया। और मैं बार बार उनको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ। मेरा खुद का जो परिचय है वो क्योंकि थोड़ा सा मेरे भी जीवन में, जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदुत्व के लिए हमारे एक जो लास्ट हिंदू एम्परर हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो अगर आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री का, अभी वैसे तो उनके ऊपर अक्षय कुमार जी की फिल्म आई है, तो जहां वो फिल्म खत्म होती है, ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है वो चीज बताने का, क्योंकि हाँ लेकिन क्योंकि वो सही नहीं है वैसे, क्योंकि जहां वो फिल्म खत्म होती है तो खुद मेरे जीवन के ऊपर भी एक बायोपिक आ रही है जो कि अगले साल आएगी,
तो वो वहां से शुरू होगी। तो लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जिस चीज के लिए बैठे हैं उसी टॉपिक पर ही बात करनी चाहिए, है ना। तो वो हम अगले साल जब वो आएगी तब ऐसे ही बैठ के दोबारा से उसके लिए फिर करेंगे। तो बाकी उसका नाम शेर सिंह राणा ही है, मेरे नाम से ही वो फिल्म है। और तो उनकी समाधि लाने का मुझे मौका मिला, जो हमारे लास्ट हिंदू एम्परर हैं थे पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में थी। तो उसको मैं वहां से भारत वापस लेकर आया था। तो अपने रिलीजन से अपने जो अपना देश है और अपना जो ये सनातन धर्म है, इसके लिए हमारे मन में बहुत ही गर्व है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और इस गर्व और फीलिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, और मुझे विश्वास है कि करण सर भी वही सोचते हैं, कि हम किसी दूसरे रिलीजन को अच्छा नहीं मानते। हमारे लिए सभी रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा कि भाई कोई अपने आप को मुस्लिम बोलता है, कोई क्रिश्चियन बोलता है, कोई यहूदी बोलता है, तो उनको उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूँ या सनातन धर्म को मानने वाला बोलना चाहिए, तो उसमें भी किसी को कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उनको भी, हमें भी, जैसे उनको गर्व है ऐसे हमें भी गर्व है ये कहने में। तो करण सर ने वही चीज दिखाने में कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं अफगानिस्तान में था तो मैं ऐसे टीका लगा के काबुल के अंदर घूमता था, तो वहां तो ये बहुत ही बेहद ही अनकॉमन चीज थी। तो वो लोग मेरे को सब, जब मैं जाता था वहां पे बाजार की तरफ, तो सब लोग मुड़ मुड़ के बार बार देखते थे, भाई ये टीके वाला व्यक्ति कौन घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने, जिसको भी वो मानते हैं उस पर गर्व करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ है। और हमें भी अपने जो हिंदुत्व है उस पर गर्व है। और मेरी ऐसी प्रेयर है ईश्वर से कि बहुत सुपर डुपर हिट ये फिल्म जाएगी हमारी, और सबको, जिसके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। अभी पिछले एक महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ सचिन को, करण सर को, और जो हमारे इसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग पूरा एक महीने से जो है इसमें आपके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। आप एक सभी का आईना है पत्रकार होने के नाते, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि जितनी ज्यादा ये फिल्म आपके प्रचार के माध्यम से, अगर आप इसको एक तरीके से, आप इस समय पत्रकार होने के नाते नहीं बैठे, आप जो है एक भारतीय और अपने एक अच्छी चीज को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर विचार रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका जॉब है कि भाई अपना वीडियो बनाई और चले गए, इसको आप थोड़ा सा फेवर कीजिएगा। और इसीलिए हम लोग भी आए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम लोग जो एक सबसे जो बड़ा प्रचार होता है वो माउथ पब्लिसिटी होती है। तो माउथ पब्लिसिटी भी अगर आप लोग कीजिएगा, ट्रेलर आपने देख लिया ऑलरेडी, यूट्यूब और सभी चीजों पर इसका ट्रेलर जो है मौजूद है, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। और सेवेंथ को, जैसे सर ने बताया कि सेवेंथ को जो है वो सभी पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी थिएटर्स में जो है काफी सारे स्क्रीन्स पर रिलीज, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, और आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और आपने मेरे को इतना सम्मान दिया यहाँ पे बुला के। और जब ऐसा मौका हमें मिलेगा अगले साल, तो फिर हम भी आपको जरूर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल, ठीक है, मैं राजेश सिंह हूँ, शेर सिंह राणा जी, आपसे मेरा सवाल है। जी राजेश जी, सर आपके नजर में हिंदू की परिभाषा क्या है,
और हिंदुत्व क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हिंदू इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जी जी, हिंदू हिंदू के लिए जो उन्होंने परिभाषा दी है वो आर्ट ऑफ लाइफ दी है। जी, तो आपके नजर में हिंदू हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है? देखिए, जो हिंदू शब्द है, हिंदू और हिंदुत्व में एक्चुअली बहुत ज्यादा अंतर है। मैं आपको बता दूं, मतलब ये मेरा अपना नजरिया है, मैं सर के नजर, मुझे नहीं मालूम सर के क्या उसमें वो होगा। एक्चुअली हिंदू जो शब्द है, हिंदू अगर सिर्फ हिंदू की आप बात करेंगे तो हिंदू तो एक तरीके से हमें अपमान करने वाला शब्द है हिंदू, क्योंकि हिंदू जो शब्द दिया है वो दिया है मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश में जब आए, तो उन्होंने जो हिंदू कुश था तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लूट मार करने चलना है, तो उन्होंने कहा भाई उधर हिंदू कुश के तरफ चलना है और वो वहां हिंदू रहते हैं, है ना। लेकिन जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो है वो एक विचारधारा है और एक जो जीने का एक तरीका होता है, सनातन धर्म को कैसे जीना है वो हिंदुत्व है। तो कैसे एक जो जीवन की पद्धति है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, जो हमने ये जो हिंदू शब्द है, एक्चुअली मैं तो हमेशा सोचता हूं हमारा रिलीजन सनातन धर्म है और हिंदुत्व हमारी विचारधारा है, तो हिंदू शब्द तो मुझे लगता है कि शायद मतलब क्योंकि मुस्लिम आकर कार्यों ने दिया हमें, एक तरीके से जैसे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं तो दूसरों ने दिया हुआ हमारे को है ये शब्द है, और ये करीब 1500 सालों से ये चीज हमें, ये शब्द हमें मिला है। तो अब मेरा यही कहना है हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व देखिए जीने की पद्धति है जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली विश्व की इस धरती की जो लिविंग स्टाइल है वो सबसे पहला वो यही है। जी, एक्चुअली मैं आपको ओशो का एक प्रवचन बताना चाहता हूं कि हम दरअसल सिंधु नदी के कारण सिंधु कहलाते थे, और क्योंकि जो अरबी थे या मुगल थे वो लोग स नहीं बोलते, ह बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू कर दिया गया। ये ओशो के अनुसार हिंदू का जन्म हुआ, हिंदू शब्द का। गौरव फ्रॉम न्यूज़रूम पोस्ट इधर, करण जी और आशीष जी, दो लोग से मेरा सवाल है। आपने जो ये फिल्म बनाई है हिंदुत्व, आज के दौर में इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्यों ये आप समझते हैं कि जरूरी है फिल्म, आपको ये बनाना पड़ गया? आशीष जी से मेरा सवाल है कि आपने अपने किरदार से ऐसा क्या सीखा, और जब स्क्रिप्ट आई तो आपको क्या ऐसा जानने को मिला? इसके अलावा पूरे यूनिवर्सिटी में आप भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो क्या आप यूनिवर्सिटीज को भगवा में करना चाहते हैं, इस पर क्या आप? मुझे जरूरत यूं पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि हिंदुत्व शब्द को मैला किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। ना तो हमने कोई ट्विन टावर उड़ाया, ना हमने किसी देश पे आक्रमण किया, ना हमने किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। उसके बावजूद हिंदू टेरर वर्ड निकला, इससे तकलीफ होती है। हिंदुत्व को देश विदेश में कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कहा गया कि हिंदुइज्म तो बड़ा पीसफुल शब्द है, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग बड़े पीसफुल होते हैं, हिंदुत्व फॉलो करने वाले लोग बहुत ही हिंसक होते हैं। तकलीफ तो होती है, इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये फिल्म नहीं, मैंने फिल्में तो बहुत लिखी हैं, बहुत बनाई हैं, टेलीविजन शोज लिखे हैं, बनाए हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये मेरे दिल से निकली भड़ास है, मेरा गुस्सा है कि हाउ डेयर यू मलाइन समथिंग विच इज सनातनी, विच इज माई वे ऑफ लाइफ, जिसने हमें वेद दिए, पुराण दिए, मां गीता दी, अष्टवक्र की गीता दी, योग दिया, ध्यान दिया, और ध्यान मैं करता हूं, मैं 20 साल से ध्यान करता हूं,
आप उसका मजाक बनाएंगे? आप अपनी रोटी सेकने के लिए सियासत की आप उस जड़ को जिससे मैं पला बड़ा उसे आप दूषित करेंगे? एंड द अदर थिंग इज दैट अगर हिंदुत्व को बदनाम किया जाएगा तो हिंदू भी बदनाम होता है, और हिंदू बदनाम होता है तो इसका मतलब है हिंदू हिंसक है। हिंदुत्व है क्या? हिंदुइज्म की लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अगर आप हमारे देश को मलाइन करेंगे, बदनाम करेंगे, हिंदू को बदनाम करेंगे जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, तो आपको नहीं लगता कि जो FDIs आ रही है हमारे देश में उन पर असर पड़ेगा? सो इट इज अ वे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ परसेप्शन, बट इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। सो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री बाई मलाइनिंग द वर्ड हिंदुत्व। मेरा ख्याल है मैंने आपको काफी वजह दे दी है। हाँ जी, आपके तीनों सवालों को फिर से प्रारंभ करता हूँ। जो आपने सर से भी पूछा उसका भी मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ बता देता हूँ। जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है, इस फिल्म का प्रश्न ही यही है इस फिल्म का कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं? तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते चल के इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। तो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं, और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलोड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि शब्द के पास कुछ लिख भी पाए, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाए। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अप्लॉज दें। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवा हमें करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज में आजादी के नारे लगते हैं। किस चीज से आजादी चाहिए आपको? एक आजाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आजादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आजादी के नारे आप खुले में लगाते हैं कोई आपको रोकता नहीं है भाई साहब, वही आजादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से, जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आजादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए।